हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है इट्स अगेन ऑन क्वांटम केमिस्ट्री एंड द टॉपिक इज़ क्वांटम इन थ्री डायमेंशनल बॉक्स। इन माय प्रीवियस लेक्चर आई एक्सप्लेन वेल एक्सप्लेन वन डायमेंशनल बॉक्स, सो टुडेज लेक्चर इज़ ओवर थ्री डायमेंशनल बॉक्स। सपोज अ पार्टिकल हैविंग मास एम इज प्रेजेंट इन अ थ्री डायमेंशनल बॉक्स एंड द बॉक्स इटसेल्फ लाई इन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड ड्रॉ अ बॉक्स हियर। सपोज देयर इज अ बॉक्स हैविंग डायमेंशन ए बी एंड सी। इट मीन्स इन एक्स डायरेक्शन the length of box is A, in Y direction the length of box is B, and in Z direction the length of box is C. Okay, and there is a particle having mass M. It may move toward M direction, toward X direction, Y direction or Z direction. And not only a particle, हम यहाँ पर बहुत सारे particles की बात करेंगे, जिसमें से कुछ particle X direction में चलेंगे, कुछ Y में चलेंगे, कुछ Z में चलेंगे। The point should be noted here, the movement of particle is independent with each other. एक particle जो x axis में जा रहा है, x direction में जा रहा है, is totally independent with the y direction and z direction. Or the particle which is moving in y direction or in z direction. मैं ऐसा इसलिए very first आपको बताना चाह रहा हूँ, that is so because when we write wave function, then we have to write the wave function for separately in x direction and y direction and in z direction. Okay, start करते हैं। तो कहाँ से शुरू करें? शुरू करते हैं boundary condition से या फिर xi equal to e से। boundary condition यहाँ से अगर बात करें तो boundary condition बिल्कुल simple हो जाएगी। in x axis boundary condition कि अगर मैं बात करूं तो x एक्सिस में कितनी हो जाएगी, x एक्सिस में बाउंड्री कंडीशन हो जाएगी 0 टू a, दिस इज 0 टू a। इन y एक्सिस बाउंड्री कंडीशन हो जाएगी आपकी 0 टू b, और z डायरेक्शन में जो आपकी बाउंड्री कंडीशन है इट विल बी 0 टू c। ओके गाइस, एंड नाउ वी नो, क्या जानते हैं, वी नो कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या होता है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बहुत सिंपल सी होती है, बहुत सिंपल सी होती है, दैट इज एच साई इक्वल टू ई साई, इजंट इट। बहुत सिंपल सी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, यहां साई एक्स वाई जेड का फंक्शन होगा, सो आई एम राइटिंग हियर एक्स वाई एंड जेड। बहुत कठिन चीजें होती भी नहीं है केमिस्ट्री में पढ़ाने लायक, सो मैं कठिन चीज़ें ला भी नहीं सकता कहीं से, इसलिए बड़ी सिंपल सिंपल सी चीज़ें से ही हम पूरा क्वांटम केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं। एच साई इक्वल टू ई साई से इक्वेशन वन। नाउ दिस इज हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, एंड यू नो थ्रू माय प्रीवियस लेक्चर द हैमिल्टोनियन ऑपरेटर इज इटसेल्फ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू ऑपरेटर्स, दैट इज काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर। So now the wave function will convert it into this form. Okay guys, here potential energy will taken as zero. कैसे, क्यों, you can see in my previous lecture. मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर link share कर देता हूँ, इस portion में link share कर देता हूँ, ठीक है। And जो काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर होता है वो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन टू एम। ये क्या होता है, ये होता है किसी एक डायरेक्शन के लिए। सपोज एक्स डायरेक्शन की बात करूं तो डी टू एक्स बाय डी टू बाय डी एक्स टू, दिस इज फॉर एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस की बात करेंगे तो प्लस में वाई का कॉम्पोनेंट और प्लस में जेड का कॉम्पोनेंट एड हो जाएगा, एड हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं,
एक्स वाई और जेड के जो कंपोनेंट होता है उसको डेल्टा स्क्वायर लिख देते हैं। ये प्रीवियस वीडियोस देखेंगे आप तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब मैं टी और वी की वैल्यू जो है वो इक्वेशन टू में रख देता हूँ। इक्वेशन टू में अगर बात करें तो अगर इक्वेशन टू में वैल्यू पुट करेंगे सो बाय इक्वेशन टू, यहाँ इसको इक्वेशन थ्री फोर भी दे सकते हैं नाम, इफ़ यू आर द एस्पिरेंट्स ऑफ एमएससी प्रीवियस और बीएससी सेकेंड ईयर फाइनल स्टूडेंट्स, तो आप काफ़ी सारे इक्वेशंस के नाम दे सकते हैं बिकॉज ऑफ डेरिवेशन, ठीक है। और अगर बात करें नेट एस्पिरेंट्स की तो नेट एस्पिरेंट्स को या गेट एस्पिरेंट्स को क्या ये सब चीज़ें ज़रूरी है, तो बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू नो द बेसिक कंसेप्ट बिहाइंड द क्वेश्चन देन यू कैन ईजिली सॉल्व द क्वेश्चन। आप बिल्कुल बिना सॉल्व करे भी उसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, है ना। बिकॉज ये जो केमिस्ट्री का पेपर होता है ना, इट इज़ समवॉट डिफरेंट देन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। हमारे यहाँ पर क्या होता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन बिना सॉल्व किए भी सॉल्व मतलब आंसर दिए जा सकते हैं। चलिए ठीक है, तो टी की बात करूँ मैं तो क्या हो जाएगा, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन टू एम इंटू डेल्टा स्क्वायर, ठीक है, वी की जगह जीरो रख देंगे, साय दैट इज इक्वल टू ई साय। ई भी यहां पर एक्स वाई और जेड कंपोनेंट में अलग अलग होगी, ठीक है, पार्टिकल्स की। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर मैं कुछ बातें आपको बताना चाहूँगा दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर यू, कि जो वेव फंक्शन होगा एक्स वाई जेड इट विल बी द मल्टीप्लिकेशन ऑफ थ्री वेव फंक्शन, वन इज इन एक्स डायरेक्शन, वन इज इन वाई डायरेक्शन एंड वन इज इन जेड डायरेक्शन। तो एक्स डायरेक्शन में वेव फंक्शन अगर कैपिटल एक्स है, वाई डायरेक्शन में वेव फंक्शन कैपिटल वाई है एंड इन जेड डायरेक्शन इट इज कैपिटल जेड, देन द होल वेव फंक्शन विल बी द मल्टीप्लीकेशन ऑफ दीज थ्री वेव फंक्शन, ओके गाइज। बट इफ द एनर्जी इन एक्स डायरेक्शन इज ई एक्स, इन वाई डायरेक्शन इज ई वाई एंड इन जेड डायरेक्शन इज ई जेड, देन द टोटल एनर्जी will be equal to the sum of corresponding energies in x, y and z direction. Here a very beautiful thing which you should be note that wave function जो है multiplication में आ रहे हैं और जो energy है वो plus में आ रही है, मतलब addition में आ रही है। तो ऐसा क्यों, wave function को हम यहाँ multiplication में क्यों लिख रहे हैं, आप इसका answer search करके comment box में लिखिएगा, हम डिस्कस करेंगे वहां पर, ठीक है। सो से इक्वेशन थ्री, सो बाय इक्वेशन थ्री से हम क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन थ्री से हम जो भी लिख सकते हैं वो काफी बड़ा हो जाएगा तो यहां लिख देते हैं, ठीक है। और यहां पर इस डेल्टा को भी आपको क्या करना है, ओपन करना है। सो माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन टू एम इन टू डेल्टा का को ओपन करेंगे तो डी डी एक्स डी टू एक्स बाय डी एक्स टू प्लस डी टू वाई बाय डी वाई टू प्लस डी टू जेड बाय डी जेड टू, एक्स वाई जेड यहाँ पर अभी लगेंगे, इनटू साय, साय की जगह क्या लिखना है हमको, एक्स वाई जेड। That is equal to E. E means EX plus EY plus EZ into psi X Y Z की जगह XX into YY into
जेड जेड एक्स एक्स क्या है, एक एक चीज आपको क्लियर होना चाहिए. कैपिटल एक्स इज द वेव फंक्शन एंड स्मॉल एक्स मीन्स इन एक्स डायरेक्शन. ओके, लाइकवाइज वाई एंड जेड. अब बोर्ड को रिकॉर्ड दीजिए. बहुत सिंपल सी इक्वेशन है, दिखने में बहुत बड़ी है, मतलब बड़ी है, बहुत बड़ी तो नहीं बोलूँगा लेकिन है बहुत ही ज़्यादा सिंपल. अब हम क्या करें, मल्टीप्लिकेशन कर दें. तो जब भी डी टू एक्स बाय यहाँ डी टू बाय डी एक्स टू में जब मल्टीप्लिकेशन इसका होगा तो जो एक्स कंपोनेंट है इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा तो वो यहाँ पर फिक्स होगा, और जो y और z का मल्टीप्लिकेशन है वो क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा. इसके कैसे तो मैं बताता हूँ, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन टू एम इन टू वाई जेड. ये वाई जेड यहाँ आ गए और डी टू एक्स बाय डी एक्स टू यहाँ हो गया. ठीक है, ये एक्स वाई जेड जब ऑपरेट होगा इसके साथ तो डिफ्रेंशिएशन वाला कंपोनेंट एक्स हो जाएगा, ये हो गया, और y और z क्या है, कांस्टेंट के रूप में यहां बाहर लिख दिए जाएंगे. यहां पर y का कंपोनेंट आ गया तो x और z क्या हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे एज अ कांस्टेंट y z. x z इंटू डी टू y बाय डी वाई टू. ठीक है, प्लस z के लिए क्या होगा, एक्स वाई बाहर हो जाएंगे, एक्स वाई को बाहर कर दो और डी टू वाई डी जेड टू इन z डायरेक्शन. दैट इज इक्वल टू जो राइट हैंड की क्वांटिटी हो एज इट इज आ जाएगी, ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड इंटू एक्स वाई जेड. ठीक है, ठीक है, अब क्या करें, एक्स वाई जेड से आपको यहां पर ट्रांसफर कर दें तो क्या हो जाएगा, वो डिवाइड में चला जाएगा. एक्स वाई जेड का जो मल्टीप्लिकेशन इस तरफ है उसको अगर मैं क्या करूं इस तरफ ले आऊं तो क्या होगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो डिवाइड कर देता हूं मैं, तो माइनस एच स्क्वायर अपन टू एम इंटू एक्स वाई जेड से डिवाइड करेंगे तो वाई और जेड तो कट जाएगा, क्या बचेगा, एक्स बच जाएगा. ठीक है, एक्स वाई जेड से, एक्स वाई जेड से डिवाइड करेंगे तो वाई और जेड कट जाएगा, क्या बच जाएगा, एक्स बच जाएगा ना वन के अपॉन में. डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इक्वल टू के उस तरफ एक्स वाई जेड का क्या है, मल्टीप्लीकेशन है. मल्टीप्लिकेशन को जब हम क्या करते हैं, इक्वल टू के उस तरफ ले जाते हैं तो क्या हो जाता है, डिवीजन हो जाता है. किस क्लास की बात चल रही है, सेवंथ क्लास की, सेवंथ एट नाइन टेंथ से ज्यादा मैथमेटिक्स कहीं आता नहीं है. डी टू बाय डी एक्स टू एक्स प्लस वाई जेड है तो सॉरी एक जेड है तो एक जेड कट जाएगा, क्या बचेगा, वन अपन वाई बचेगा, डी टू वाई बाय डी वाई टू प्लस वन अपन जेड डी टू बाय डी जेड टू. डी टू किसका, जेड का. दैट इज इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड. ठीक है, ओके, सो दिस इज द श्रोडिंजर वेव इक्वेशन, दिस इज द श्रोडिंजर वेव इक्वेशन फॉर अ पार्टिकल हैविंग मास एम इज मूविंग इन थ्री डायमेंशनल बॉक्स. बड़ी सिंपल सी बात है, बड़ी सिंपल सी इक्वेशन है, दिखने में लंबी दिख रही है लेकिन एक्स वाई जेड से ज्यादा उसमें कुछ भी नहीं है. नाउ द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन
अब इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो जो सॉल्यूशन है वो पूरा के पूरा चलता है किसका, वन डायमेंशनल बॉक्स जैसा ही पूरा के पूरा सॉल्यूशन चलता है। तो जो सॉल्यूशन आएगा वो उसका कितना आएगा, इसका सॉल्यूशन आपका आ जाएगा, दो प्रकार के सॉल्यूशन आते हैं, आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन। तो अगर मैं बात करूं किसकी, आइगन फंक्शन की, तो आइगन फंक्शन की बात करूं सो वो है एक्स वाई जेड, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में। तो आइगन फंक्शन कितना आया था, अंडर रूट टू बाय एल मींस ए इनटू साइन एन पाई एल अपॉन एन पाई एक्स अपॉन ए। ठीक है, ये मैंने कहां से लिख दिया, तो मैं एक काम करता हूं, लिंक शेयर कर देता हूं यहां पर, आप लिंक से देख लीजिए कि मैंने ये कहां से लिखा है। ठीक है, आप प्रीवियस लेक्चर देखेंगे पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स, तो ये आपको पता चल जाएगा कि वेव फंक्शन कितना आता है, इतना आता है। एक एक चीजों को देख लीजिए, ये ए क्या है, ए है लेंथ ऑफ बॉक्स इन एक्स डायरेक्शन। ठीक है, ये ए है। एन क्या है, एन इज द नंबर ऑफ पार्टिकल इन एक्स डायरेक्शन। तो यहां पर मैं सुपर है ना सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट में एक्स लिख देता हूं। ठीक है, पाई पाई होता है, एक्स क्या होता है, एक्स इज द डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम जीरो टू अ पॉइंट इन एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन में जीरो से जो डिस्टेंस है किसी पार्टिकल की वो है एक्स। एक्स और ए में आप कंफ्यूज मत होइएगा। ए क्या है, ए क्या है, बॉक्स की लेंथ है। ठीक है, बॉक्स मैंने जो बनाया था, जो बॉक्स मैंने बनाया था, तो ये बॉक्स की लेंथ क्या है, बॉक्स की लेंथ है ए, और पार्टिकल मान लो यहां तक चला, जीरो से यहां तक चला, तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ये कितनी आ जाएगी, ये डिस्टेंस हो जाएगी एक्स। ठीक है, तो एक्स क्या है, डिस्टेंस जितना पार्टिकल चला, और ए क्या है, टोटल बॉक्स की लेंथ इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, दैट इज इन एक्स डायरेक्शन। ठीक है, अंडर रूट टू बाय बी साइन एन पाई वाई अपॉन बी, और अंडर रूट टू बाय सी, ए बी सी इज द लेंथ ऑफ बॉक्स इन एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन एंड जेड डायरेक्शन, साइन एन पाई जेड अपॉन सी। ये तो आ जाएंगे आपके पूरे के पूरे वेव फंक्शन, ये तो सारे के सारे वेव फंक्शन आ गए। अब अगर मैं बात करूं किसकी, एनर्जी की, तो जो एनर्जी होगी वो एनर्जी आ जाएगी एक्स डायरेक्शन में, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन एट एम एल स्क्वायर होता है फॉर्मूला, तो एल की जगह क्या जाएगा, ए स्क्वायर। वाई डायरेक्शन में जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन एट एम बी स्क्वायर, और जेड डायरेक्शन में हो जाएगी एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन एट एम सी स्क्वायर। ये कर सकते हैं आप, कहीं कहीं किसी किसी बुक में आप देखेंगे तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बाद एक स्टेप और दी जाती है जहां पर ई एक्स को इसके बराबर लिख दिया जाता है, ई वाई को इसके बराबर लिख दिया जाता है, और ई जेड को इसके बराबर लिख दिया जाता है, सेपरेट करना बोलते हैं इसे। तो वो भी आप एक स्टेप लिख सकते हैं, उस स्टेप के बाद इस स्टेप को डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये हो गया आपका क्या, सॉल्यूशन। अब अगर स्टूडेंट्स ये कहें कि सॉल्यूशन पूरा सॉल्व कराएं, हम कल क्लास में नहीं आए थे, तो वो बातें तो बोल ही नहीं सकते। आप क्लास में नहीं आए थे तो यूट्यूब पे तो लेक्चर वैसा के वैसे रखा हुआ है, पार्टिकल एंड वन डायमेंशन बॉक्स का, यू कैन सी देयर। चलिए ठीक है।
अब कुछ इंटरप्रिटेशन कर लेते हैं या कुछ कंक्लूजन कर लेते हैं। फॉर अ क्यूब, अगर मैं क्यूब की बात करूं, अगर मैं क्यूब की बात करूं तो क्यूब में क्या होगा, ए बी सी तीनों जो आपके लेंथ होगी वो लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, क्यूबॉइड में क्या होता है, क्यूबॉइड का मतलब होता है माचिस का बॉक्स, मैच बॉक्स, जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट क्या होती है, अलग अलग होती है। अगर मैं क्यूब की बात करूं, क्यूब तो क्यूब क्या होता है, क्यूब नहीं होता है, सॉल्व करने का वो मैजिक क्यूब आता है जिसके लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड क्यूब। तो फॉर अ क्यूब, क्यूब में क्या होगा, कंडीशन होती है ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, पजल बॉक्स बोलते हैं उसको। तो यहीं पर चेंजेस कर दें, यहीं पर कर देते हैं, एक बात और कर लें पहले, तो इसको सॉल्व करने के पहले टोटल वेव फंक्शन और टोटल एनर्जी का अगर मैं बात करूं, तो टोटल वेव फंक्शन विल बी साई एक्स वाई जेड, दैट इज इक्वल टू एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड। ठीक है, एक्स एक्स वाई वाई और जेड जेड। तो क्या कर दें हम, एक्स वाई और जेड की वैल्यूज यहां पर पुट कर दें, तो टोटल वेव फंक्शन एक्स वाई जेड विल बी इक्वल टू दिस इनटू दिस इनटू दिस, रूट टू बाय ए इनटू साइन एन पाई एक्स अपॉन ए इनटू रूट टू बाय ए साइन एन पाई वाई अपॉन बी इनटू साइन नॉट साइन अंडर रूट टू बाय सी इनटू साइन एन पाई जेड अपॉन सी। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल इन एक्स डायरेक्शन, नंबर ऑफ पार्टिकल इन वाई डायरेक्शन, नंबर ऑफ पार्टिकल इन जेड डायरेक्शन, ये भी हो गया। अब क्या कर दें, टोटल एनर्जी लिख दें, टोटल एनर्जी लिख दो, टोटल एनर्जी क्या जाएगी, ई दैट इज इक्वल टू ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड, इन तीनों को ऐड करना है, इन तीनों को ऐड करना है, तो जो कॉमन क्वांटिटीज हैं, जैसे कि ये कॉमन है और ये एच स्क्वायर कॉमन है, तो एच स्क्वायर अपॉन एट एम तो कॉमन है, डिवाइड में क्या लिख दें, एन स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो ये हो गया टोटल वेव फंक्शन और ये हो गया टोटल एनर्जी। यहां से कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, CSIR के सिलेबस में ये है। ठीक है, ए बी सी की हमें भी पॉसिबल कुछ वैल्यू दे दें, एक बॉक्स ड्रॉ करके दे दें जिसकी लेंथ वगैरह आपको यहाँ पर दे दी जाएगी, और कुछ पार्टिकल्स हैं, फॉर एग्जांपल कि 6 या 8 पार्टिकल है, जिसमें से 4 पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक पार्टिकल वाई में जा रहा है, एक पार्टिकल जेड में जा रहा है, तो टोटल एनर्जी उसकी कितनी होगी, सच टाइप ऑफ क्वेश्चन में भी इन CSIR। चलिए ठीक है, अब क्या कर दें, थोड़ा सा टायर्ड हूं, अबाउट टू 12 o'clock हो रहा है रात के, इसलिए टाइम काफी कम मिलता है वीडियो लेक्चर शूट करने के लिए, है ना, आई एम इन अ जॉब आल्सो, सो बिकॉज ऑफ ट्रेवलिंग एंड जॉब प्रेशर एटसेट्रा काफी कम समय मिलता है।
आप लोगों के लिए, बट आज क्या हुआ कि पार्टिकल वन डायमेंशन बॉक्स के बाद 3 से 4 कमेंट ऐसी आ चुकी है, और आज तो एक बिल्कुल हार्ड कमेंट आई कि हाथ जोड़ के कि सर प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो डाल दीजिए। तो मैंने लिख दिया जस्ट बिल्कुल डाल रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो, तो आई एम शूटिंग। चलिए ठीक है, क्या करते हैं अब, टोटल वेव फंक्शन आ गया, टोटल एनर्जी आ गई, अब थोड़ा सा कंक्लूजन कर लेते हैं, थोड़ा सा कुछ बातें और कर लेते हैं अगर क्यूब की बात करें। ओके, कंडीशन वन फॉर अ क्यूब, क्यूब की मैं बात करूं तो ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी होगा क्यूब में, क्यूब में ए बराबर बी बराबर सी होता है। तो यहीं पर मैं चेंजेस कर दूंगा, यहीं पर मैनिपुलेशन कर दूंगा, तो साई एक्स वाई जेड की जो वैल्यू होगी, मतलब टोटल जो वेव फंक्शन होगा वो क्या जाएगा, यहां पर ए, यहां पर ए, और यहां पर भी क्या जाएगा ए। ठीक है, ये ए है, ये भी ए हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये तो x रहेगा, ये y रहेगा, और ये z रहेगा। ठीक है, क्योंकि x, y और z क्यों नहीं चेंज होगा। स्टूडेंट्स ये मत बोल देना कि सर क्यूब में तो सब x, y, z सब एक जैसा रहता है। भाई साहब ये x एक्सिस में चली गई डिस्टेंस है, ये y एक्सिस में चली गई डिस्टेंस, और ये क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल इन z डायरेक्शन। ओके, तो ये होगा कुछ ठीक है। अब क्या बात कर लें, अब बात कर लें टोटल एनर्जी की, एनर्जी कितनी हो जाएगी, एनर्जी में भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ये तीनों ही ए स्क्वायर हो जाएंगे, तो इसको ए स्क्वायर को बाहर निकाल लो तो ये टोटल एनर्जी हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो क्यूब के लिए ये दो फॉर्मूले हो जाएंगे। अब हम बात ये करें कि मान लो कि हमारे पास में सिस्टम में क्या है, 6 पार्टिकल हैं, 6 पार्टिकल में से 4 पार्टिकल क्या हैं आपके, 4 पार्टिकल जो हैं एक्स डायरेक्शन में चल रहे हैं, 1 पार्टिकल वाई डायरेक्शन में चल रहा है, और जो 1 पार्टिकल है वो जेड डायरेक्शन में चल रहा है सपोज से। तो एनर्जी एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन में, मैं ये बात कर रहा हूँ कि तीन हमारे पास में क्या है टोटल, सपोज 6 पार्टिकल हैं, 4 पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में चल रहे हैं, 1 पार्टिकल वाई डायरेक्शन में चल रहा है, और 1 पार्टिकल जेड डायरेक्शन में चल रहा है। तो सेट कैसा बन पाएगा, सेट ऐसा नहीं बन पाएगा क्या, एन एक्स का स्क्वायर एन वाई का स्क्वायर एन जेड का स्क्वायर, 4 पार्टिकल इधर 1 पार्टिकल इधर 1 पार्टिकल इधर, ऐसा भी हो सकता था कि 1 पार्टिकल एक्स में चलता, 4 पार्टिकल वाई में चलते और 1 पार्टिकल जेड में चलता, या फिर एक एक पार्टिकल एक्स वाई में चलते और 4 पार्टिकल आपके जेड में चलते। तो आपकी जो एनर्जी की वैल्यू आती है वो तो एक ही जैसी आती ना, एनर्जी की वैल्यू जो होती वो तो क्या होती, एक ही आती तीनों सेट के लिए। सच टाइप ऑफ आइगन वैल्यू इज कॉल्ड ट्रिपली डीजनरेट। ठीक है, तो यहाँ से एक डीजनरेसी का मतलब समझ में आता है, डीजनरेसी का मीनिंग समझ में आता है। एक आपके शब्दकोश में आपकी डिक्शनरी में एक यहाँ पर एक वर्ड ऐड होता है, व्हाट इज व्हाट डू मीन बाय ट्रिपली डीजनरेट। सो ट्रिपली डीजनरेट का मीनिंग ये होता है कि कुछ पार्टिकल के सेट्स हैं अगर ऐसे, जिनको कि हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग तीन प्रकार से जमाएं, और तीनों प्रकार से जमाने के बाद एनर्जी की जो वैल्यू है वो क्या है, कॉन्स्टेंट आए, एक जैसे आए, तो दैट इज कॉल्ड ट्रिपली डीजनरेट। ठीक है, मतलब मजेदार बात यह है कि वी कैन अचीव 3 सेट ऑफ डिफरेंट वैल्यूज, 4, 1, 1, ये क्या है, तीनों की वैल्यू क्या है, तीनों की वैल्यू एक जैसी है क्या, नहीं है, लेकिन यही वैल्यू इसकी भी आएगी, ये वैल्यू इसकी भी आएगी। अगर क्या है, मान लो कि 3 पार्टिकल है और तीनों पार्टिकल क्या है एक एक डायरेक्शन में चल रहे हैं 1, 1, 1, तो अपने पास में केवल एक ही सेट है, पार्टिकल ही 3 हैं, 6 की जगह 3 पार्टिकल उठा लें आप, और क्या कर दें, एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में एक एक पार्टिकल चल रहा है, तो उसका सेट तो ऐसे ही बन पाएंगे ना। तो दैट काइंड ऑफ आइगन वैल्यू इज कॉल्ड नॉन डीजनरेट आइगन वैल्यू। वहां पर एनर्जी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, नॉन डीजनरेट होगी। तो नॉन डीजनरेट और ट्रिपल डीजनरेट का मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए। सो इट इज ऑल अबाउट द पार्टिकल इन 3 डायमेंशन बॉक्स, एंड हम आगे भी
वीडियो शूट करते रहेंगे क्वांटम के, और क्वांटम के बाद अभी जो क्वेरीज आ रही है, अभी जो जो फरमाइशें आप लोगों की आ रही है, वो आ रही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टीरियो वाला जो पार्ट है, उस पार्ट में काफ़ी स्टूडेंट्स बोल चुके हैं सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे। तो मैं बहुत जल्दी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी शुरू करने वाला हूँ, देन इन बिटवीन हम स्पेक्ट्रोस्कोपी का पार्ट भी स्टार्ट करेंगे। सो टिल नेक्स्ट वीडियो, आप क्या करेंगे, आप पढ़ते रहेंगे केमिस्ट्री में।